एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ, और मैं लगातार लखनऊ के उन महान हस्तियों से आपका परिचय कराता चल रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में तहलका मचा रहे हैं। उसी श्रृंखला उसी कड़ी में आज हमारे साथ मुसी रजा है। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कोच है, उस टीम के कोच जिस टीम से खेलना एक लड़के का सपना होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और मुसी भाई, एक तो हम आपके बारे में थोड़ा परिचय दे दें। स्पोर्ट्स हॉस्टल कानपुर के छात्र रहे, 10 साल इन्होंने, मेरे को लगता है 10 साल का आपका कार्यकाल रहा, वहाँ पे रहे आप, रणजी ट्रॉफी खेला आपने, इंडिया अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। मुझे लगता है रणजी ट्रॉफी में 5 साल तक आप टीम में थे, और इसी तरीके से इंडिया अंडर 19 में 2 साल तो कैंप में रहे और 1 साल टीम से खेला। कैफ के बहुत अच्छे मित्रों में से थे और एक साथ रूम पार्टनर थे। जो आज का हमारा विषय है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं उनके बारे में कैसे उनको प्रमोट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप उस स्तर पे हो, तो थोड़ा सा पहले तो उस पर दो शब्द बोलो आप। पीयूष भाई, जैसा आप यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बेस यही है। यस, अंडर 16 स्टैंडर्ड का आपने कैंप लगा हुआ है, मैंने ये देखा। अंडर 16 की टीम गोंडा गई हुई है, वो भी मैं देख रहा हूँ। लगभग 50 से 60 बच्चे जो अंडर 16 के हैं वो आप इन्वॉल्व किए हुए हो, तो अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके ज़रिए यहाँ पे मिल रहा है, वो एसोसिएशन के ज़रिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यही एक बेस है स्टार्टिंग का, बेस्ट बेस यही है। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चियाँ भी कुछ आई हुई हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये एक अच्छा स्टार्ट है जो आपने पूछा, वो बहुत अच्छा स्टार्ट है। क्योंकि ये वो बच्चियाँ हैं जो हमारी अंडर 15 या अंडर 19 में रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमने उसको उनको भी कॉल किया इस कैंप में आओ जी। कुछ अपने बारे में अब हम लोग तुम्हारे पास चलते हैं, तुम्हारी उन यादों से जुड़ते हैं जो तुमने स्पोर्ट्स हॉस्टल में बिताया, और कैसे तुमने क्रिकेट शुरू किया, बेसिक थोड़ा सा उसको बताओ। क्रिकेट स्टार्ट करने का तो मेरा एज ए मीडियम पेसर चौकी स्टेडियम पर मैंने स्टार्ट किया, एंड एसपी कृष्णन साहब हमारे कोच हुआ करते थे। क्या बात। तो एसपी कृष्णन साहब ने मुझको ऑफ स्पिन बॉलिंग कहा करने के लिए, ग्रिप बताइए, वो कहा ऐसे करके फेंको। उन्होंने ये नहीं बताया कि अब तुमको ऑफ स्पिनर बना रहे, क्योंकि उस टाइम मीडियम पेस का मैं थोड़ा सा शौक था, तो शायद हम ना मानते, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, ऑफ स्पिन बॉलिंग ही करना है तुमको। तो मैंने स्टार्ट किया एज ए ऑफ स्पिनर अपना कैरियर। 1 साल तक चौकी स्टेडियम में लगभग खेला मैं, उसके बाद सेंट्रल को जी कैंप में हुआ मेरा, आनंद शुक्ला जी सेलेक्टर थे, तो हॉस्टल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। दैन फिर वहाँ से हमारी जर्नी जो भी स्टार्ट हुई, 4 साल लग गए लगभग अंडर 16 का वेट करते हुए, फिर अंडर 16 में मौका मिला और वहीं पे फिर हम लोगों का करियर स्टार्ट हुआ। मैं लगातार अपने जितने भी सीनियर हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल के, या मैं खुद रहा या हमारे से तुम लोग रहे, तो कुछ क्योंकि स्पोर्ट्स हॉस्टल ने हम लोग को बहुत कुछ दिया, तुम भी जानते हो, वहाँ के प्रैक्टिस, वहाँ का एटमोसफियर, उसके बारे में तुम सबसे कुछ बोलो। कानपुर हॉस्टल ग्रीन पार्क का अगर जिक्र करूं, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर प्रैक्टिस कहीं पे भी नहीं होती थी, और वो एक हमारा लक था कि हम वहाँ के ऊपर पहुँचे। जैसे कि वहाँ पे मैंने देखा गोपाल शर्मा जी, या यहाँ लखनऊ में मैं देखता था अमन गेरा जी, सतीश केसरवानी जी राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे, तो मतलब ऐसे ऐसे बॉलर्स को मैं देखता रहता था, नेट पे बॉलिंग नहीं भी मिलती थी, तो देखने से ही बहुत कुछ सीख जाते थे। और अपना एक्स्ट्रा टाइम हम मॉर्निंग में या जो हमारे पास टाइम बचता था उसमें हम दे लेते थे, लेकिन वो जो गाइडेंस मिली वहाँ से, स्टार्टिंग एसपी कृष्ण साहब, फिर लखराज त्यागी जी, फिर नवीन त्यागी जी हमारे, इन लोगों ने जो गाइड किया, जो भी बेस बना वो ही बना क्रिकेट का, और जो भी सफर तय किया वो हॉस्टल की ही हॉस्टल की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूँ, मैं भी एक मैच स्पोर्ट्स हॉस्टल कानपुर से लखनऊ का हो रहा था, मैं इलाहाबाद में खेल रहा था, और मुसी ने इतनी अच्छी वो जैसे लूप पे मुझे फंसा के आउट किया, वो मुझे अभी भी याद है। मैं उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छे रन करके आ रहा था, लेकिन वो बॉल मुझे, तो जो तुम्हारा जैसे मैं कहूँगा लूप, और जो तुम फ्लाइट करते थे, जो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट हथियार था, उसके बारे में जरूर बताओ बच्चों को। कि
मुझे लगता है पीयूष भाई स्पिनर अगर बॉल को स्पिन कराएगा तो वो स्पिनर है, और दूसरी चीज़ एक्यूरेसी, अगर दो चीज़ें किसी भी स्पिनर में है तो वो एक स्पिनर कहला सकता है। तो हमें हमेशा से एक मोटिव था कि हमारा बॉल स्पिन करे, तो चाहे कुछ भी होता था मैं स्पिन कराने की ही कोशिश करता था। और ये एक ऐसी बात, आप कह रहे हैं कि आउट हो गए थे तो वो मेरी किस्मत थी कि आपका विकेट मुझको मिला। नहीं वो और अब चूंकि मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ, रणजी ट्रॉफी की टीम से तुम जुड़े हो जी, जी और उन लड़कों से जुड़े हो जो ऊपर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए, तो वहाँ के कुछ संस्मरण कुछ बताना चाहते हो बच्चों को, और कैसे वो उस स्तर पर बच्चे पहुंचते हैं, वहाँ की यात्रा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करो। देखिए पीयूष भाई, जो भी स्टार्ट है वो यही है जो आप यहाँ पे कर रहे हो, जो बच्चा यहाँ अंडर 16 और अंडर 14 लेवल पे कर रहा है वही स्टार्ट बेस है, और वो जो बच्चा सीखता है वही ऊपर तक जाता है। चाहे रणजी ट्रॉफी लेवल पे आज की डेट में कोई भी बच्चा खेल रहा हो, वो वही सीख के आया है, तो वो पैटर्न अपनाता है एंड वो करने की कोशिश करता है, अपने जो भी डिसिप्लिन हो सकता है क्रिकेट में वो फॉलो करता है, उसी वजह से वो वहाँ है, उसी वजह से वो इंडिया खेलता है। और क्योंकि जिसमें आज की डेट में दो से तीन बच्चे जो इंडिया खेल रहे हैं उनको भी मैंने बहुत करीब से बहुत बचपन से देखा है, तो उनको भी मैंने वो प्रोसेस वही रखा, उन्होंने कभी प्रोसेस में अपने कोई चेंज नहीं किया कि अगर लेफ्ट आर्म कोई स्पिनर कोई इंडिया खेला तो उसने कहा कि बॉल स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है और एक जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मैंने फास्ट बॉलर्स कुछ इंडिया खेलते देखे तो वो अपना प्रोसेस पूरी तरह फॉलो करते देखे, उसमें कोई कमी नहीं उन्होंने की कभी भी। देखो कितनी अच्छी बात, हमारे मुसी सर हम लोगों से जोड़ रहे हैं। मैं जिक्र करूंगा मोहम्मद कैफ का, बहुत बड़ा किरदार हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, और वो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके बारे में ज़रूर दो शब्द बोलो। हाँ कैफ तो बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ एक ऐसी चीज़ था कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था मुझको। यस, और क्योंकि उसका हार्डवर्क उसको इतनी बड़ी क्रिकेट खिलाया उसको, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस टाइम हमारे कैफ से पहले जो खेले थे, ज्ञानेंद्र जी खेले थे या गोपाल भाई खेले थे या शशि भाई आसपास रहे, और भी खिलाड़ी थे कि जो बहुत अच्छे थे, जैदी भाई हमारे, उबैद भाई, ज्ञानू भाई, खुद अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, बट इंडिया रेगुलर बेसिस पे नहीं खेल पाए कि वो जाते थे और वापस आ जाते थे। बट एक नाम ज्योति यादव, ज्योति यादव बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बैट्समैन, तो इतने प्लेयर्स होते थे, बट जाके उसने वहाँ के ऊपर जो जगह बनाई अपनी टीम में, और चाहे कैसे भी करके वो बैटिंग देन फिर फील्डिंग टीम के लिए यूजफुल रहा, तो हमें लगता भी था बचपन से ही ये लगता था कि वो खेलेगा ज़रूर, इंडिया के लिए ज़रूर रिप्रेजेंट करेगा, और वो हुआ भी, थोड़ा और खेलना चाहिए था मुझे लगता है, खेला बहुत अच्छा खेला। और क्योंकि फील्डिंग के बारे में मैं लगातार हम लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं, बैट्समैन हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास बॉलर्स आ रहे हैं, तो फील्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफ करो, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है क्रिकेट का, क्योंकि सबको फील्डिंग करनी रहती है, आप बॉलर बन गए बैट्समैन बन गए लेकिन फील्डिंग आपको ग्राउंड पे करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, उस बारे में थोड़ा सा जरूर बोलो। मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि जो पहले एकेडमी का कल्चर नहीं था जब हम लोग ने क्रिकेट स्टार्ट किया, जो आज की डेट में कल्चर डेवलप हुआ है एकेडमीज का, कि वहाँ के ऊपर कम से कम 50 से 60 बच्चा रहता है एकेडमी में, कोच एक या दो रहते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि बैटिंग एंड बॉलिंग की और ख़त्म कर दिया, लेकिन फील्डिंग एक इतना बड़ा पहलू है उसको हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग का जो हॉस्टल में रहता था कि फील्डिंग में अगर नज़र खान एक हमारा दोस्त था या आसिफ दोस्त था और भी बहुत अच्छे अच्छे फील्डर्स थे, वो साथ में अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो एक ने अगर कैच पकड़ा तो उससे बेहतर कैच पकड़ने के लिए हम आगे आ रहे हैं, तो यही कैफ भी साथ में कर रहा है, तो वो आज देखिए कहाँ के ऊपर कितना बड़ा फील्डर बना। तो लक्ष्य त्यागी जी या नवीन त्यागी जी जो हम लोगों को कैचेस मारते थे, मैं नहीं देखता कि आज की डेट में ऐसा कोई भी जो है इस तरह की फील्डिंग कराता हो या करता हो। एकेडमीज़ में वो कल्चर ख़त्म हो गया है, मैं चाहता हूँ कि एकेडमी में कम से कम नहीं तो दो दिन ऐसे हों कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग हो, शॉर्ट फील्डिंग, हाई कैचेस, पैरेलल कैचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्डिंग, स्लिप कैचेस, कोई भी लैक ना रहे कि यहाँ के ऊपर बच्चा जो है वो लैक कर रहा है कि ये कैचेस नहीं पकड़ पा रहा है या फील्डिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। देखो मैच में तभी जीतोगे जब अच्छी फील्डिंग करोगे, अच्छे फील्डर बनोगे, तो
आखिर में मैसेज बच्चों को मैं कहता हूँ, तुम इतना बड़ा किरदार हमारे साथ लखनऊ का खड़ा है, तो ये मैसेज क्योंकि यंगस्टर्स सारे देख रहे हैं हम लोग इस चैनल को, उनको दो, कैसे वो आगे बढ़े, उनको रास्ता बताओ। रास्ता सिंपल है, सिर्फ हार्डवर्क, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ हार्डवर्क। अगर आपका प्रोसेस सही है आप अचीव करोगे, और वो अचीवमेंट कैसे होगा, आप अपना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का एक शेड्यूल बनाओ, उसको रोज़ के रोज़ अचीव करते रहो। छोटे छोटे टारगेट रखो कि आज मुझे फील्डिंग में ये करना है, आज मुझे बैटिंग में कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करनी है, अगर स्पिनर है तो बॉल को जगह पर डालना है, कैसे बॉल को स्पिन कराना है, कैसे रोटेट कराना है। अगर ये प्रोसेस छोटा छोटा फॉलो करेंगे तो टारगेट अचीव होगा हमारा। कितना अच्छा लगता है मुसी से, इतना बड़ा किरदार, और कितने नम्र हैं, कितने विनम्र हैं। मैं इसको आज इसको एंड करता हूँ, आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हम यही कहेंगे, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।